हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि मेरी बाइक की जो हीरो स्प्लेंडर है उसकी सर्विस आ गई थी, तो मैंने सोचा कि आपको एक बताता हूँ चीज़ कि मेरी बाइक 96,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो बहुत अच्छी चल रही है। बाकी मैं आपको पूरी डिटेल दुकान पर जाके बताऊँगा, जहाँ से मैं अपने पापा के फ्रेंड हैं अंकल जी, तो उनसे मैं सर्विस कराता हूँ, तो सभी डिटेल मैं आपको वही दूंगा। अभी देखिए आप, 96,000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, तो 96,000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। सारी अपडेट आपको मैं शॉप पे जाके दूंगा। तो बस अब यहाँ घर से निकल रहे हैं और भाई जल्दी मिलते हैं फिर शॉप पे। बाय जैके, इंजेक्शन के पैर पर लग गया, बहुत जोर से चिल्लाया। तो भाई हम भी रेडी हो चुके हैं, हमारी बाइक भी रेडी है, देख लो अब निकल रहे हैं भाई। गाइस मिलते हैं शॉप पे। तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं अंकल जी के पास, अपनी स्प्लेंडर यहाँ खड़ी है। अंकल जी नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते बेटा, नमस्ते, बहुत बढ़िया भैया। अभी डॉक्टर साहब इनको ठीक करेंगे, अपने मरीज को। भाई गाइस 12 साल पुरानी बाइक अंकल है, 2011-12 साल गाइस पुरानी है, और 96,000 देख रहे हो आप, 96,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो अभी तक इस बाइक में अभी तक ऐसा कुछ भी मेजर मैंने अभी तक इसमें कुछ भी काम नहीं करवाया है, और काम नहीं करवाया इसका रीज़न ये है कि जी बहुत अच्छा काम करते हैं, टाइम पे सर्विस, मैं भी थोड़ा अलर्ट रहता हूँ और अंकल जी भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। तो एक जीता जागता एग्जांपल है कि मेरा इंजन अभी तक खुला नहीं है, बस हाफ इंजन हुआ है, इसके अलावा मेरा कभी कुछ नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आपको देता हूँ गाइस, 96,000 किलोमीटर चलने के बाद भी मैंने अपना ये फ्रंट टायर है ये अभी तक चेंज नहीं करवाया है, आप देख पा रहे होंगे। सो 96, और मैं इसको 1 लाख कम्प्लीट कर दूंगा। ये व्लॉग तो अभी मैं 96,000 का बना रहा हूँ, नेक्स्ट व्लॉग जो इस बाइक का बनेगा ना, वो 1 लाख किलोमीटर जब कंप्लीट हो जाएंगे ना, वो बनेगा। तो भाई अब अंकल जी सर्विस कर रहे हैं, तो आफ्टर 11 इयर्स मेरी बाइक आप देख सकते हो बिल्कुल बहुत अच्छी चल रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मतलब इसकी गाड़ी मतलब वैलिडिटी होती है 15 साल वाली, तो 15 साल कम्प्लीट हो जाएंगे, लेकिन मेरी बाइक बिल्कुल बिल्कुल सही होगी डेफिनेटली, देख सकते हो कितने। बाकी अभी हमारे अंकल जी सर्विस कर रहे हैं, अभी इसमें करेंगे सारी चीज़ें, डालेंगे मोबिल ऑयल वगैरह और इंजन ऑयल जो भी इसका होता है। अब नेक्स्ट अपडेट आपको मैं दूंगा इसमें क्या क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है, अभी आज देखते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा। भाई फिल्टर निकाला जा रहा है, अब फिल्टर देखते हैं कितना गंदा होगा इसका। भाई निकल चुका है फिल्टर का कवर। अंकल जी कैसे हालत लग रहे हैं इसके? ठीक है बेटा अभी तो। चलो देखते हैं। और तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी बाइक में अगर कोई भी इशू आता है छोटा मोटा, तो इसमें प्लीज़ जो भी पार्ट हो वो जेन्युइन डालिए। नहीं अंकल जी, बिल्कुल भाई जेन्युइन, जो मैंने अभी तक देख लो 11-12 साल हो चुके हैं, बिल्कुल जेन्युइन पार्ट डाले हैं। तो जेन्युइन पार्ट डालने का ये बेनिफिट होता है, मेरी बाइक देख लुक ही से पता लग रहा होगा बिल्कुल 96,000 किलोमीटर चल चुकी है, और इंजन बिल्कुल सील पैक है, ये देख लो नीट एंड क्लीन पूरा सील पैक है। तो यही रीज़न है इसका, बिल्कुल जेन्युइन पार्ट, कंजूसी मत करो अगर लंबी चलानी है तो। भैया ऑयल डाल के साफ कर दिया अंदर से, मतलब पेट्रोल डाल के साफ कर दिया भाई। भाई अपना इंजन ऑयल निकल चुका है, अंकल जी नट टाइट कर दिया, अब यहाँ से इंजन ऑयल डालेंगे। अब नेक्स्ट काम क्या कर रहे हैं, ये नीचे से नट टाइट हो जाएगा। भैया इंजन ऑयल डाल रहे हैं इसके अंदर, हम 900 ml इंजन ऑयल डल जाएगा इसके अंदर, मोतुल कंपनी का। हाँ मोतुल कंपनी का, एक्चुअली वैसे डालना तो चाहिए भाई जिस कंपनी की हमारी बाइक है, तो कंपनी से लेके ओरिजिनल वही डालना चाहिए, बट मेरी में छोटा सा एक इशू आ गया, तो उसके बाद ये मोतुल का सेट हो गया इसमें, तो मैं मोतुल का ही डालता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि भाई जैसे कोई भी कैस्ट्रोल वेस्ट्रोल का होता है ये ना डलवाएं,
नहीं अंकल जी, डुप्लीकेसी ज़्यादा आ रही है, डुप्लीकेसी ज़्यादा आ रही है, उसमें पहचान नहीं होती, लेकिन कई मिस्त्री हैं वो डाल देते हैं, वो कस्टमर को चूना लग जाता है, कस्टमर की बाइक फिर नहीं रहती सही, वो हमने देखा है। तो मेरा तो जीता ज़्यादा एग्जाम्पल है भाई, 96,000 किलोमीटर कोई कम नहीं है, इतने ज़्यादा चल चुके और कुछ भी नहीं हुआ है इसमें अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल साफ़ सुथरी बाइक है, इंजन बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू नहीं है। प्लग गाइस देखो, प्लग स्पार्क प्लग साफ़ कर रहे हैं, कई मिस्त्री तो सोचते हैं कि छोड़ दो ना इसको क्या साफ़ करेंगे, लेकिन ये एक ज़रूरी है जो हमें करनी होती है कि नेक्स्ट सर्विस तक हमारा ये सही तरीके से वर्क करें। नहीं अंकल जी, बिल्कुल। तो ये आप बिल्कुल साफ़ कर दिया है तार की हेल्प से, अब इसको लगा दिया जाएगा। भाई इंडिकेटर टूट गया था इसका, वैसे इंडिकेटर ठीक है बट टूट गया था, तो भाई चलो कोई नहीं, फेविक्विक से टेम्परेरी कर रहे हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम फिर नया ही डलवाना होगा। बाकी इंजन डाल के चैन की सफाई चल रही है, चेन भी टाइट हो चुकी है। हो गया अंकल सब काम? हो गया, सब चीज़ काम हो चुका है, बस अब एक बार अंकल जी चला के देख लेंगे इसे। तो भाई अंकल जी मेरे फादर के दोस्त हैं, तो मैं तो स्टार्टिंग से सर्विस ही करा रहा हूँ 2012 से, तो अब भी है 96,000 किलोमीटर चल चुकी है और अभी भी इसमें कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल सर्विस हुई अंकल, क्या हुआ है? बिल्कुल सर्विस नॉर्मल हुई है। बाकी मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अंकल का नंबर नीचे आप मेंशन कर दूंगा, देख लेना और एड्रेस प्रॉपर दूंगा। यहाँ का एड्रेस क्या अंकल जी? यहाँ का ये है सिविल लाइन है, सेक्टर 15 मोर चौक के पास है, आईडीबीआई बैंक के सामने। लोकेशन पूरी दूंगा, कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, मैं स्टार्टिंग से सर्विस करा रहा हूँ 2012 से, इंजन आपके सामने है, गाड़ी आपके सामने है, प्रॉपर वर्क कर रही है, कोई इशू नहीं आ रहा है और आगे भी कराऊंगा। अब नेक्स्ट मैं सर्विस जो मेरी एक लाख वाली होगी ना वो बनाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग, गाड़ी पे बाइक पे प्रॉपर बढ़िया काम कर रही है। बाकी आपको नेक्स्ट अपडेट दूंगा, बाकी गाड़ी सही है, किसी को गुड़गांव में किसी को सर्विस करानी हो, कौन कौन सी बाइक की सर्विस होती है अंकल जी? बाइक एक तकरीबन सारी है भाई, 100 cc और 150 cc ना, सबसे ज़्यादा प्योरिटी लेवल पे है आप, एक्टिवा बिल्कुल, एक्टिवा भी करवा सकते हो सर्विस पे। तो भाई नेक्स्ट अपडेट आपको देते हैं, फिलहाल मैं निकलता हूँ यहाँ से। थैंक यू अंकल जी, भाई हो गया सब कुछ, हो गया बढ़िया, गाड़ी सर्विस हो गई। अब कितने किलोमीटर पर सर्विस करानी चाहिए ये बता दो? वैसे सर्विस तो हमेशा 2000 किलोमीटर पर होनी चाहिए, 2000 किलोमीटर पर होनी चाहिए। ऑयल ज़्यादा गंदा होगा उतना जल्दी इंजन खराब होगा, जल्दी इंजन, जितना ऑयल साफ रहेगा उतना जल्दी बिल्कुल इंजन ज़्यादा चलेगा, लाइफ ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल। भाई अंकल जी का दुकान का नाम क्या? अंकल जी नाम बता दो, दिखा दो नाम दिखा देता हूँ भाई, नाम है मनी राम ऑटो वर्क्स और ये अंकल जी की शॉप है, एड्रेस पूरी डिटेल में डाल दूंगा। बाइक की सर्विस हो चुकी है, अच्छा अंकल जी चलता हूँ फिर आऊँगा, बाय बाय बाय। भाई दुकान अंकल ना पीछे है अंकल की, मेन ये बस जगह है कि यहाँ पे जैसे बाइक आती है कस्टमर की तो लगा के अपने आराम से कर लेते हैं, और ये सामने भाई आईडीबीआई बैंक, ये सामने है सिविल लाइन मोड़ चौक। तो भाई यहाँ से हम निकलते हैं, बस स्टैंड पूजा आई हुई है, पूजा को ले पुलिस से आ रही है, बस लेके फिर घर चलते हैं, अब नेक्स्ट अपडेट आपको घर जाके दूंगा। भाई रंगा साहब भी आ गया, अब देखो जैक्सन पागल हो जाएगा, जैकी भाई घर पहुंच चुके हैं गाइस, जैक लिए। सो गाइस अब खा रहे खाना, रंगा साहब भी 2 दिन में आया है, रंगा साहब है जी लग रहा था खसुकता भाई, खाना खा रहे गाइस, चूरमा खा लो, चूरमा येरा चूरमा, लस्सी है साथ में। और गाइस आज का जो ब्लॉग था वो मेरी बाइक की सर्विस के रिगार्डिंग था, तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं गाइस देख लो, मैं स्टार्टिंग से सर्विस उन्हीं के पास करा रहा हूँ, पहले मेरे फादर करवाते थे सर्विस स्कूटर की, उसके बाद फिर मैं कराने लग रहा। भाई मेरा तो बेस्ट है, इंजन बिल्कुल टनाटन है, बिल्कुल ओके है, सब कुछ डन है, एक्सपीरियंस्ड है, मेन बात ये एक्सपीरियंस है कि पर्टिकुलर जो चीज़ ख़राब है वही, ये और जो अनएजुकेटेड होते हैं नहीं कर पाते हैं, ख़राब कर देते हैं दूसरा पार्ट, और मेन चीज़ जो चीज़ ख़राब है जेन्युइन पार्ट डालो, ओरिजिनल गाड़ी सही चलेगी। तो मैं पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा विद लोकेशन, मोबाइल नंबर और स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हो और कभी भी कॉल कर सकते हो, मनी राम अंकल जी का नाम है, और बाकी आप कॉल करके आप पूछ सकते हो, सर्विस कराना चाहो सर्विस भी करवा सकते हो और सारी डिटेल आप ले सकते हो।
तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और भाई नींद बहुत तगड़ी वाली आ रही क्योंकि 2 दिन से सोया नहीं हूँ मैं, कुछ काम से बाहर गया हुआ था तो इसलिए। बाय बाय गाइस।